एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित भवीपुर गांव पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव ब्लॉक से 15 किलोमीटर तो जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी मात्र 50 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान हरिकेश पाल हैं। लगभग 1550 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 371 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 90 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 5 हैंडपंप को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 55 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 5 सीसीडाइज रोड, खड़ंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण भी कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान के देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 41 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, खड़ंजे, बरात घर, आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान घाट, पशु चिकित्सालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 125 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम हरकेश पाल, ग्राम भाईपुर, तहसील बिसोली, जिला बदायूं। मैंने अपने गांव में जो सरकार ने पैसा दिया था वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से खर्च किया है। गांव में मैंने सीसी रोड डलवाए, 200 मीटर सीसी डलवा दी, एक नाला बनवा दिया। स्कूल में मैंने काफ़ी सरकारी स्कूल में कार्य कराया और अभी पैसे की और आवश्यकता है। और 7 आवास इंदिरा आवास बनवा दिए, शौचालय में काम चल रहा है, शौचालय भी बन रहे हैं। और अभी सरकार से मेरी और गुजारिश है, पैसा आए तो उसी तरीका से विकास कराया जाए। गांव में अस्पताल है, उसमें डॉक्टर नहीं आते हैं, खाली पड़ा है, ऐसा ही बंद पड़ा है अस्पताल। और सरकार से मेरी मांग है, मतलब रोड पे पानी भर जाता है, नाला बनना चाहिए रोड पे, डॉक्टर आने चाहिए नियमित रूप से, और लाइट की व्यवस्था अच्छी है, और लेकिन अभी खम्भों की ज़रूरत और है, तब लाइट पूरे गाँव में हो पाएगी।